हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन। स्टे होम, स्टे हेल्दी, ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ चिल्ड्रन। आज मैं आपको आपका जो ऐसे है होली, जो कि हमारा आने वाला त्यौहार है और बच्चों का बहुत ही प्रिय ये फेस्टिवल होता है, इसके बारे में मैं लिखवाने जा रही हूँ और एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये आपका फेवरेट फेस्टिवल होता है। किस तरह जाते जैसा कि आप चाहते हैं कि ये त्यौहार हमारा बहुत ही खुशहाल, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है और बहुत ही अच्छा मौसम जो है, जैसे कि समय बड़ी सर्दी आ रही है वो चेंज हो जाता है मौसम। और जो बच्चे हैं गुलाल से खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, बैलून से खेलते हैं, है ना। तो इस फेस्टिवल के बारे में जो है हम पढ़ते हैं, जो मैं लिखवा रही हूँ आप वो भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी बनाकर अपनी लैंग्वेज में भी आप अपने एग्ज़ाम में होली के बारे में लिख सकते हैं, अगर ये चैप्टर क्वेश्चन आपको आता है तो। होली इज सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूज मंग्स द ऑनसेट ऑफ गुडनेस। जैसा कि आप जानते हैं होली का त्यौहार जो है घरों में मतलब हर जगह अच्छाई का प्रतीक होता है, प्रोस्पेरिटी समृद्धि का प्रतीक होता है और पॉजिटिविटी सकारात्मकता का प्रतीक होता है। विद स्प्रिंग एवरी ईयर, जो कि स्प्रिंग के मौसम में हर साल आता है। अकॉर्डिंग टू द फेथ एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुइज्म, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फाइंड आर डिफरेंट सिग्निफिकेंस इन देयर फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं हिंदू धर्म में विश्वास किया जाता है, यह समाना जाता है, और भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्से भिन्न भिन्न हिस्से में भिन्न भिन्न तरह से इस त्यौहार रंगों के त्यौहार को मनाया जाता है। सब पीपल बिलीव होली इज मीट टू चेरिश द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, वाइल अदर टेक द दिस अपॉर्चुनिटी टू रिजॉइस द डिफीट ऑफ इविल विद इन एंड अराउंड अस। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ये त्यौहार जो है राधा और कृष्ण के प्यार का प्रतीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये त्यौहार जो है हमारे चारों ओर जो है बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक होता है। फॉर मैनी अदर्स होली इज अ पीरियड ऑफ लव, फॉरगिवनेस एंड फुलफिलमेंट। और अन्य लोग क्या कहते हैं कि ये जो त्यौहार है, ये जो पीरियड है, ये जो समय है प्यार का, माफ़ी करने का और अपने रिक्त स्थानों को भरने का। रिक्त स्थान मतलब जो दिलों में जिसके अगर कोई कड़वाहट है, उस कड़वाहट को दूर करके एक दूसरे को अपना बनाने का है। द फेस्टिवल स्प्रेड्स ओवर 3 डेज स्टार्टिंग विद होलिका दहन। ये त्यौहार जैसा कि आप जानते हैं 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है होलिका दहन से। द फुल मून नाइट व्हेन रिचुअल्स एंड ऑफरिंग आर परफॉर्म्ड नियर ए बॉनफायर इज डिस्ट्रॉयड इनर एंड आउटर इविल्स रिसाइडिंग इन दिस वर्ल्ड। और जब पूर्ण चंद्रमा निकलता है अमावस की रात को, तो आग जलाकर होलिका दहन की जाती है और इसके अंदर बाहरी और जो अंदरूनी बुराइयां हैं संसार की, वो इसके अंदर जला दी जाती है, ऐसा माना जाता है। यानी कि हमारे अंदर की बुराइयों को भी, बाहर की बुराइयां तो समाप्त होने की प्रेयर हम करते ही करते हैं, हमारे अंदर के जो भी इविल्स है उसको भी समाप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाई छोटी होली। यहाँ पर मैंने छोटी होली इसलिए लिखा है क्योंकि कॉमन वर्ड है, हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो ये जो है छोटी होली से स्टार्ट होता है, द थर्ड डे ऑफ रंग वाली होली। और इसका पहला दिन होलिका दहन, दूसरे दिन छोटी होली और तीसरा दिन रंग वाली होली होता है। व्हेन पीपल अक्रॉस द कंट्री इंडल्ग इन द फेस्टिविटीज ऑफ कलर, जब लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और रंगों का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। होली कम विद ए चांस टू फॉरगिव टू मेंट ब्रोकन बॉन्ड्स एंड टू लव अगेन थ्रू आउट द एक्सचेंज ऑफ फूड स्वीट्स कलर्स एम्ब्रेसिस एंड स्माइल्स। और ये त्यौहार जो है हमारा प्यार का प्रतीक होता है, हमारे जो मनों में कड़वाहट होती है उसको दूर करने का प्रतीक का त्यौहार ये माना जाता है, और क्षमा करने का त्यौहार ये माना जाता है। इस दिन लोग जो है रंग, मिठाई, भोजन एक दूसरे को देते हैं, बांटते हैं और गले मिलते हैं।
वाइल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फाइंड डिफरेंट मेथड ऑफ एनहेंस द एक्साइटमेंट ऑफ होली, अलग अलग भागों में देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से इस त्यौहार को जो है मनाया जाता है। ई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स ओनली ब्रिंग डाउन द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल मेड टू स्प्लैश हैप्पीनेस एंड ह्यूज। अब जो हम इसमें केमिकल वाले रंगों का यूज़ करते हैं या केमिकल वाले रंगों का यूज़ करते हैं या गैर जिम्मेदारी हमारे अंदर हो जाती है जब हम टॉक्सिकेंट्स यानी कि जो हमारे चेहरे को स्किन को नुकसान देते हैं ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो ये होली के त्योहारों की जो खुशियां हैं जो आनंद है इसको समाप्त कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो होली है हमारा एक खुशी का प्रतीक है, रंगों का त्यौहार है, यानी कि जिस तरह होली रंग से खेली जाती है इसी तरह ये प्रे की जाती है कि हमारा जीवन भी खुशियों के रंग से भर जाए। तो इसके साथ साथ हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए और ये जो गलत कलर रंग होते हैं जो स्किन को नुकसान देते हैं, एलर्जी कर देते हैं, इन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। गुलाल, सूखे गुलाल से, सूखे रंगों से खेलना चाहिए, फूलों से खेलना चाहिए और पानी से भी ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वाटर जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये त्यौहार आपका क्योंकि अपना फेवरेट फेस्टिवल है तो इसके बारे में आप और अधिक जानते भी होंगे। घरों में गुजिया बनाई जाती है, पकवान बनाए जाते हैं, हर घर में अलग अलग तरह की डिशेस बनाई जाती हैं, तो बहुत ही खुशियों का आनंद भरा ये त्यौहार है। तो आप अपनी फीलिंग्स भी इस ऐसे में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।